हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सूप UPSC। मैं हूं आयुष और हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 15 को हमने डिस्कस कर लिया लास्ट सेशन में। आज हम लोग आर्टिकल 16 को, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि सबको समान अधिकार होगा, जो भी हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निकाली गई जितनी भी नौकरियाँ होंगी, जितनी भी नौकरी होंगी और उसमें जो भी लोग चाहते हैं जाना, उनके लिए बराबर जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 16। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर सिटीजन को हर मैटर में, उस एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी ऑफिस में दी जाएगी अंडर द स्टेट, विदाउट कंसिडरिंग द रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इन सभी चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद इसके रिगार्डिंग ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 16, जो फंडामेंटल राइट दिया गया है हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें से कि पहला एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके जो रेसिडेंस का है, आपके पास जो रहने की जो जगह है जहां आप रह रहे हैं, उस एरिया के हिसाब से, उस एरिया के लिए एक सर्टन कंडीशंस वो बना सकता है पार्लियामेंट कि हाँ, किसी स्टेट में, किसी यूनियन टेरिटरी में या किसी लोकल अथॉरिटी में वहां के जनता के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस वो रख सकते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन सर्टन पब्लिक ऑफिसर्स, ये पार्लियामेंट कर सकता है, ये इसके पास एक पावर दी गई है। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंट एक्ट ऑफ 1957 है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया गया था, जो कि एक्सपायर कर गया 1974 में। और इस एक्ट के द्वारा किसी भी स्टेट में कोई प्रोविजन नहीं है एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही दो एक ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि ये अभी लागू है, बाकी कहीं पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है आपका वो है कि जो स्टेट होगी वो किसी बैकवर्ड क्लास के फेवर में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, जो कि किसी स्टेट सर्विस में, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अगर उनका जो नंबर्स है वो सफिशियंट नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक जो लेवल के लोग हैं, एक क्लास, सर्टन क्लास ऑफ पीपल है, सिर्फ वही लोग उस नौकरी में हैं और दूसरे क्लास ऑफ पीपल जो थोड़े बैकवर्ड क्लास हैं वो नहीं है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है उसमें, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन ला सकती है उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तीसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई जो ऑफिस है वो अगर किसी रिलीजियस बेसिस पे है या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसे गवर्निंग बॉडी से है, उसका मेंबर है, तो उसमें जो भी जो इलेक्ट होंगे, जो अपॉइंट होंगे पर्संस, वो उसी पार्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन के होंगे, ये भी एक एक्सेप्शन है इस फंडामेंटल राइट में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंडल कमीशन और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश में जो रिजर्वेशन आया बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसका आधार क्या था, किस तरह से वो आया। तो मंडल कमीशन जो है बेसिकली वो आता है जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट होती है 1979 में, वो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, जिसके कि चेयरमैन होते हैं बीपी मंडल साहब, वो एक एमपी होते हैं, तो वो
उनको ये भार सौंपा जाता है कि आप जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए आप कुछ सुझाव दें कमीशन्स को, कमीशन को ये भार दिया जाता है। तो जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट 1980 को सबमिट करती है और इसके तहत वो कहती है कि जितने भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में 27% जो है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। फिर इसके 10 साल के बाद 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है तो वो 27% गवर्नमेंट जॉब में ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे देते हैं। इसके बाद देश में बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक्ट बना दिया जाता है, ये जो रिजर्वेशन दे दी जाती है, इसको फिर वापस नहीं लिया जाता है क्योंकि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं सोशली और एजुकेशनली पिछड़ रहे थे बाकी जो क्लासेस ऑफ सिटीजन हैं उनसे। तो इस कारण से ये बहुत ज़रूरी था हमारे देश में कि उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन दी जाए ताकि वो लोग भी ज़्यादा नंबर में आएँ और गवर्नमेंट जॉब्स में उनकी भी एक अच्छी खासी जो है रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो बनती हैं ये 27% की रिजर्वेशन, इसके बाद रामनंदन कमेटी बनाई जाती है जो कि ये डिसाइड करती है कि जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे उसमें क्रीमी लेयर कौन होगा और नॉन क्रीमी लेयर कौन होगा। तो क्रीमी लेयर वो होंगे जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली सोशली बहुत स्टेबल हैं सोसाइटीज़ में, और नॉन क्रीमी लेयर वो होंगे जिनका जो फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ होगा इन द सोसाइटी। तो इस चीज़ के लिए रामनंदन कमेटी बनाई जाती है जो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1993 में और इसको फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके द्वारा ही, इस कमीशन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से कास्ट जो होंगे वो बैकवर्ड क्लास में होंगे और किनको जो है रिजर्वेशन दी जाएगी और किनको नहीं दी जाएगी, कौन बैकवर्ड क्लासेस नहीं है। तो जॉब में रिजर्वेशन के लिए जो लिस्ट बनाई गई कास्ट की वो अंडर नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस में ये सब चीज़ किया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं मंडल कमीशन के बारे में। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।